आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड अपडेशन प्यूरिफिकेशन लैंड रिकॉर्ड के बारे में जो 15 सितंबर से काम चल रहा था और उसका 15 दिसंबर तक टाइम दिया गया था, मगर मैं तमाम हमारे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने बहुत दिलचस्पी लेते हुए काम किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। टोटल हमारे जो विलेजेस थे सब 10,806 विलेज है, जिसमें 363 में अभी काम चल रहा है, बाकी तमाम विलेजेस में क्लियर हो चुका है। और टोटल लैंड जो है हमारा 2,30,44,373 था, जिसमें 2,13,724 एकड़ का लैंड क्लियर हो चुका है। बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा बहुत परसेंटेज है इसके अंदर, और रिकॉर्ड जो है तकरीबन 92% का लैंड रिकॉर्ड क्लियर हो चुका है। माँ बाकी रिकॉर्ड सेकंड फेज में किया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे आनेबुल सीएम साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि ये 1930 के बाद इतना डिटेल सर्वे हुआ। और ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों का ये था कि रिकॉर्ड के अंदर 77,607 एकड़ लैंड बता रहे थे और वो उसमें तकरीबन 43,610 एकड़ लैंड का क्लियर रिकॉर्ड आ चुका है। हमारे लिए बड़ी फ़खर की बात है। बाकी का रिकॉर्ड नेक्स्ट फेज में आ जाएगा। और 32,596 इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें तकरीबन 22,427 का क्लियर रिकॉर्ड आ चुका है। अभी सेकंड फेज बाकी है। सेकंड फेज में ये रहेगा, जहाँ भी जो लिटिगेशन रहेगा, जहाँ भी जो प्रॉब्लम आएगा, उसे सेकंड फेज से क्लियर किया जाएगा। और ये रिकॉर्ड नहीं, बहुत तकरीबन काफ़ी ज़माने के बाद, निज़ाम स्टेट के बाद आज हुआ है। क्योंकि कोई भी आदमी, जब हमारे सीएम साहब सबसे मीटिंग ले रहे थे, लोग कह रहे थे कि इसमें हाथ मत डालिए, हाथ जल जाएंगे या परेशान हो जाएंगे, पर अल्लाह का फजल है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। और 3 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से काम हुआ है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करते हुए, सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, ये अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड किया है। और सेकेंड फेज के बाद पूरा क्लियर आ जाएगा। तेलंगाना बनने के बाद इतनी बड़ी जरूरत जो सीएम साहब ने किया है, 57 साल में कोई भी तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौर में थोड़ा बहुत तो हुआ है ऐसी बात है, मगर जैसा होना चाहिए था 100% नहीं हुआ। उसको हर टाइम हर हुकूमत में कुछ करने की कोशिश करते हैं, मगर सीएम साहब जो स्टेप भी है, ख़ास तौर से वक्फ के बारे में भी, हमारे पास जो वक्फ के बारे में 43,610 एकड़ ज़मीन का जो क्लियर रिकॉर्ड आया, बड़ी इसके लिए मैं मसरत का इजहार करता हूँ। और माँ बा के रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर, जो सेकंड फेज़ में जो लिटिगेशन है वो सेकंड फेज़ में रखा गया है, बाकी का तमाम क्लियर हो जाएगा। नई पासबुक अभी बनाई जा रही है, वो 26 जनवरी को उसका इनाग्रेशन किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज़ करने के बाद जैसे जैसा पास बन के आते रहेंगे, जिस तरह पासपोर्ट है, पासपोर्ट के अंदर 17 सिक्योरिटी फीचर्स है, और उसी तरह ये जो पासबुक बनाई जाएगी, पासपोर्ट जिस तरह है उसी तरह पासबुक बनाई जा रही है। किसी भी इंडिया में, किसी स्टेट में इतने सिक्योरिटी फीचर्स की पट्टा पासबुक नहीं है, और एक ही बुक बनाई जा रही है। अभी मुझसे कुछ लोग रहे कह के लोन क्लियर करने की बात की जा रही है। अगर जो फार्मर्स लोन बाकी है बैंक का, तो नए पासबुक में हमारा रेवेन्यू का जो ऑफिसर रहेगा, वो जाकर बैंक से इंफॉर्मेशन लेकर पासबुक में एंट्री करवा लेगा बैंक से, मगर किसी फार्मर को उसमें भरने की परेशानी नहीं रहेगी। जो इंस्टॉलमेंट है वही इंस्टॉलमेंट से बन सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत काफ़ी जद्दोजहद करके लाई गई है, इसीलिए लाई गई है कि हमारे फार्मर्स को आराम और सुकून मिल सके, अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, लैंड लिटिगेशन कम से हो। हमारे सीएम साहब ने आइंदा साल से 8,000 रुपये फार्मर्स को 2 क्रॉप के लिए देने का वायदा किया है, जिसमें 8 से 10 हज़ार करोड़ का खर्चा आ रहा है, और सीएम साहब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फार्मर्स को एक राहत मिलेगी, डॉक्यूमेंट भी अच्छे रहेंगे, उसके साथ साथ उनको अपने काश करने में जो लिटिगेशन है वो भी ख़त्म करते हैं, उनको क्लियर डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। थैंक यू।